मेडिकल कॉलेज के MBBS में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर पुणे की महिला डॉक्टर से 41 लाख रुपए की ठगी की गई है। अजनी पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों में सचिन कश्यप, श्रीकांत चंद्रशेखर आत्राम तथा साखरे नामक व्यक्ति शामिल है। पुणे निवासी डॉक्टर शिल्पा सुरेश ढेकले की सितंबर 2019 में आरोपियों से पहचान हुई थी। उनकी बेटी MBBS में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। उसे नागपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना था, पर PMT में नंबर नहीं आने से वे परेशान थी। आरोपियों ने उन्हें प्रवेश दिलाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा, फिर नगद रकम मांगी। डॉक्टर शिल्पा ने सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 के बीच 40 लाख रुपए नगद दिए, फिर भी प्रवेश दिलाने के बजाय वे पैसे मांगने लगे। पुलिस स्टेशन आजनी येथे सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल आहेत। यामधील फिर्यादी जे आहेत शिल्पा ढेकळे यांना एक अननोन नंबरवरून फोन आलेला होता आणि त्याच्यात चूज युअर करिअर या कंपनीतून बोलतो आहे असं आरोपीने सांगितलं आणि MBBSच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देतो असं सांगितलं आणि त्याच्यामध्ये फिर्यादीला आणि तिच्या मुलीला आणि तिच्या मिस्टरांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर या ठिकाणी सन 2019 बोलवलं होतं आणि त्यांना MBBSची सीट मिळवून देतो म्हणून पैशाची मागणी केली। त्याच्यामध्ये फिर्यादीने आरोपींपैकी काही इसमांना या ठिकाणी रोख स्वरूपात 40 लाख रुपये दिले होते आणि ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शन 1 लाखाचं असं 41 लाख रुपये ॲडमिशनसाठी दिलेले होते। परंतु 2019 तर आजपर्यंत कुठलं ॲडमिशन करून दिलं नाही, त्याच्यामुळे फिर्यादींनी पोलीस स्टेशनला येऊन आरोपींविरुद्ध तक्रार केलेली आहे। मेडिकल कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर पहले भी ठगी की गई है। 10 माह पूर्व धनतोली के प्रसिद्ध चर्मरोग विशेषज्ञ डॉक्टर भलमे से ठगी की गई थी। धनतोली पुलिस ने भी केस भी दर्ज किया है, जहां माह पूर्व भी एक मामला सामने आया था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।